जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डायनामैक्स और आज हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन ट्रेनर कैनियन। तो अगर आप लोगों ने अब तक ये गेम डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको गेम डाउनलोड लिंक की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ये गेम आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो भाई लोग, आज सफारी जोन में आया है लेजेंडरी पोकेमॉन हीटरैन, जो कि फायर स्टील टाइप का बहुत तगड़ा पोकेमॉन है और टाइप कॉम्बिनेशन भी बहुत तगड़ा है। इसकी वीकनेस शायद सिर्फ ग्राउंड और फाइटिंग टाइप से ही है और वॉटर टाइप से भी शायद वीक है, बाकी पोकेमॉन बहुत तगड़ा है। तो भाई इसको कैच करना तो बनता ही है, लेकिन इसको कैच करने से पहले बैटल सेंटर में एक बैटल कर लेते हैं यार, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यार बैटल सेंटर में बैटल करो, काफ़ी टाइम से बैटल नहीं करी। और मैंने एक ये अपोनेंट को चूज़ किया था बैटल करने के लिए, इसके लिए स्ट्रैटेजी भी बना लिया मैंने। इसके पास है भाई एक शाइनी मेगा लाटियो, तो मेगा इवॉल्व होने के बाद शाइनी लाटियो उसके स्टेट्स चले आते हैं 792 और उसका स्पेशल अटैक देख रहा हो ना आप लोग 180 भाई। बाकी ये रहा एक शाइनी गेंगार, मेगा शाइनी गेंगार था सॉरी, ये मेगा शाइनी म्यूटू, इसका अटैक देखो भाई पहाड़ 207 जा रहा है यार, कितना होता है। मेगा शाइनी 4000, मेगा शाइनी इसकी फौज है भाई बंदे के पास। और यहाँ है शाइनी पालकिया और इसके बाद स्लैकिंग, नॉर्मल स्लैकिंग है, शाइनी नहीं है, बट इसका अटैक स्टेट भी भाई भयानक है, 160 अटैक है और 150 HP है भाई, क्या होता है 160 अटैक स्टेट, इतना तो शायद रेजी गीगास का भी नहीं होता है ना। रेजी गीगास का अटैक भी इतना ही है, मतलब बराबर का ही है, बट उसकी HP ज़्यादा है फ्लैकिंग की। तो चलो भाई बैटल शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में भाई ले जाएंगे हम हमारा सुपर हथियार शेडिंजा, इसके बाद लूगिया और रेजी गीगास तो परमानेंट है ही, और कौन था मूव्स नहीं देखे यार मैंने इनके, यहाँ शेडिंजा आ जाएगा, यहाँ भी शेडिंजा आ जाएगा, बाकी 4000 और गेंगार को निपटाना है बस मेन। तो हाँ, तो 4000 और गेंगार को तो यार हमारा रेजिगीगास और लुगिया निपटा ही देंगे आराम से, है ना। मैं सोच रहा हूँ इस बार स्टार्टिंग में स्पाइक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम, तो आगे के लिए थोड़ा सही रहेगा। तो भाई ये है हमारी आज की टीम, चलो बैटल शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में उतरा है शाइनी मेगा लाटियोस और एक साइकिक में देख रहा हूँ बैंड बजा दी है लौंडे ने, ये गया हमारा राइपीरियर। अब स्पाइक्स यूज कर लेते हैं, बहुत तगड़े यार उसने हील कर लिया अपने आप को, एक और मौका मिल गया हम लोगों को। स्पाइक्स यूज करने का प्रोटेक्ट नहीं हुआ यूज, प्रोटेक्ट फेल हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत तगड़ा काम किया यार फॉलेट्रेस और राइफीरियर में। ये थोड़ी देर बाद हमें समझ में आएगा कि इन लोगों ने किया क्या है जब हमारे अपोनेंट्स उतरेंगे, और स्टार्टिंग में उतरते से ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज झेलना पड़ जाएगा। गेंगार के पास शायद शैडो टैग एबिलिटी थी, तो भाई इसके निपटने के सिर्फ एक टर्न पहले स्विच करना पड़ेगा, यहाँ ये रिकवर कर सकता है। चलो रेजिगीगास में स्विच कर लेते हैं, रेजिगीगास बड़े आराम से निपटा देगा इसे अब इस स्टेज पे। आइस पंच यूज करते हैं यार, ओ भाई ड्रैको म्यूटियोर यूज कर दिया लौंडे ने, रेजिगीगास को निपटा डाला, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, रेजिगीगास निपट गया है।
ड्रैगनाइट यहाँ भी ड्रैको मीटियोर यूज करेगा, बट यहाँ उसका अटैक कम हो चुका है। चलो भाई बहुत सही रहा यार ये। वह ड्रैगन डांस यूज़ कर लेते हैं। आइस पंच है यार लॉन्डे के पास, और लॉन्डे की स्पीड भी है भयानक गेंगार की। निपटा डाला यार, गलती कर दी। अब लुगिया को लाना पड़ेगा भाई, तो मैंने लुगिया का साइकिक को रिप्लेस कर लिया है विल्ड विंड से, जो कि भाई औसम मूव है यार, सच में बहुत ही ज़्यादा औसम मूव है। गेंगार कुछ कर क्यों नहीं रहा यार, सक्कर पंच यूज़ कर रहा है यार ये। चलो भाई जब तक ये सक्कर पंच यूज़ करता है, डबल टीम यूज़ करके लुगिया की विजिवनेस मैक्स कर देते हैं हम, ताकि आगे जाके कोई अपोनेंट हाथ भी ना लगा पाए। मैं सोच रहा था टॉक्सिक भी दे दूं एयर कटर को रिप्लेस करके, बट यार फिर दिक्कत ये हो जाती ना कि लुगिया के पास एक भी अटैकिंग मूव नहीं बचता। ये देख रहा हूँ म्यूटू उतरा ही, और स्टार्टिंग में उतरते से ही इतना डैमेज भाई, ये तो मार रहा है यार, हाथ कैसे लगा पा रहा है यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलो गेंगार सकर पंच ही यूज़ करता रहेगा, एयर कटर से निपटा देते हैं इसे। टू निपट जाना चाहिए अब, और बच गया यार ये म्यूटू, भयानक है यार। मतलब इतनी इवेजिवनेस इंक्रीज कर ली हमने, फिर भी भैया ये इसके अटैक हिट कर रहे हैं यार हमें। बस हील हो जा यार लुगिया, चलो एक भी अटैक मिस नहीं हो रहा यार इसका, ऐसा क्या है यार इसके पास। अब निपटा देते हैं, चल भाई निकल तू भी। रिकवर कर लेते हैं, गेंगार अभी भी सका पंच यूज़ कर रहा है। चलो मतलब डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ नहीं करेगा, गेंगार को भी निपटा दिया हमने। अब आ चुका है चार्जार्ड, और अब आप लोग देख रहे हो ना इसकी हेल्थ स्टार्टिंग से ही आती है भाई, बस यही चाहिए था मुझे, इसीलिए हमने स्पाइक्स और स्टेल्थ रॉक यूज़ किए थे। पालकी आया और यहाँ पालकिया गया, और चार्जार्ड आएगा और आते से ही निपट जाएगा भाई। 2 HP मात्र, 2 HP क्या होती है यार, ये सीन बहुत सही लगा यार, मतलब मजा ही आ गया देख के। और पालकिया भी स्ट्रगल ही कर रहा है भैया, वो भी मरने के कगार पे है। वैसे भाई मैंने 2-4 बार टॉक्सिक स्पाइक्स भी यूज़ किए हैं, बट यार पोकेमोन पॉइजन नहीं होते यार उसे यूज़ करने के बाद भी। और ये पालकिया निपट गया, और ये इनका आखिरी पोकेमोन बड़ी नाक वाला चचा स्लैकिंग। अगले एयर कट्टर में ये भी निपट जाएगा, बच गया, चल कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इसके पास फेंट अटैक है जो हमेशा हिट करता है, इसलिए वो हमें डैमेज दे पा रहा था भाई। बहुत तगड़ी बैटल थी यार, मतलब मज़ा ही आ गया इस बार तो। बस जल्दी से लोडिंग ख़त्म हो जाए यार। क्या यार दिक्कत ये है कि इस बार इनवैलिड गेम डेटा वाला एरर फिर से आने लगा है, ये देखो भाई फिर से आ गया। मतलब इतनी तगड़ी बैटल करी हम लोगों ने, जीत भी गए, बट फिर भी हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे इस एरर की वजह से। ये बहुत बड़ी दिक्कत है गेम में, और ये गेम को इस पर मतलब सीरियसली कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए। चलो फिर से लॉगिन करके आता हूँ। तो भाई चलो अब बढ़ते हैं हमारे लेजेंडरी पोकेमोन हीट्रैन की तरफ, जो कि सफारी जोन में हमारा इंतज़ार कर रहा है भाई। बहुत धांसू पोकेमोन है यार हीट्रैन, हालांकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्कैनर्स हो चुके हैं, बट फिर भी
मैंने इसके कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, तो हमें स्कैनर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको भी कॉन्ट्रैक्ट से लेजेंडरी पोकेमोन कैसे कैच करते हैं, तो भाई इसके लिए भी वीडियो बनाए रखी है मैंने आप लोगों को लेजेंडरी पोकेमोन कैच प्लेलिस्ट में, या फिर लेट्स प्ले पोकेमोन ट्रेनर कैनियन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो, जहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलेंगे, वो वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का पता चलेगा। तो भाई यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल जाएगा हीट्रैन, और इससे एक झटके में हम मास्टर बॉल यूज़ करके कर लेंगे कैच। चार मास्टर बॉल हैं, एक को यूज़ करके हीट्रैन हमारा हुआ भाई। चलो भाई देखें कौन कौन से मूव सेट्स हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है, कौन कौन सी एबिलिटी है। तो भाई हीट्रैन कहाँ गया, ये रहा। भाई इस गेम में इसका मेगा एवोल्यूशन भी है, जो कि भाई बहुत धांसू बात है, देख रहे हो आप लोग, मतलब नॉर्मल पहले जैसा ही है, बस थोड़े बहुत कांटे वगैरह और माथे पे ये नगीना निकल गया है। इसके अलावा इसकी एबिलिटी है फ्लैश फायर, मतलब फायर टाइप मूव से आप इसको हिट करोगे तो इसके अटैक स्टेट जो है 1.5 टाइम से मतलब बढ़े आएंगे। इसके अलावा इसकी दूसरी एबिलिटी है फ्लेम बॉडी, मतलब किसी ने फिजिकल अटैक इस पर यूज़ किया, जैसे रेजिगिगास या किसी और पोकेमोन ने इसको छूने की कोशिश करी तो भाई सामने वाला हो जाएगा बर्न। तो फ्लेम बॉडी भी बहुत तगड़ी एबिलिटी है। इसके अलावा इसके स्टैट्स में भाई स्पेशल अटैक इसका बहुत ज़्यादा आया है, तो अगर आप लोग कैच करो तो इसे सिर्फ स्पेशल अटैक टाइप मूव्स ही देना। इसके अलावा स्पीड कम है बाकी सबके मुकाबले, बट डिफेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं भाई इसके। और बाकी तो जैसा मैंने बताया था, ये वाटर ग्राउंड और आई थिंक फाइटिंग, ये तीन टाइप से वीक होगा, क्योंकि फाइटिंग टाइप भी इसी से वीक होते हैं। वाटर टाइप से वीक है भाई, ये वाटर टाइप से वीक है। बाकी वाटर के अलावा ग्राउंड टाइप से 4 टाइम्स वीक है, रॉक टाइप से भी वीक नहीं है। मेन तो यही दो टाइप्स हैं जिनसे वीक है ये, और फाइटिंग टाइप से 2 टाइम्स वीक है। तो फाइटिंग से 2 टाइम्स, वाटर से 2 टाइम्स और ग्राउंड से 4 टाइम्स वीक है। तो ग्राउंड टाइप अपोनेंट से थोड़ा बचा के रखना अपने हीट्रैन को। बाकी मूव्स इसके पास स्टार्टिंग से ही बहुत धांसू मूव है, एंशिएंट पावर है, फायर फैंग, मेटल साउंड। मेटल साउंड भाई भयंकर तरीके से स्पेशल डिफेंस कम करता है अपोनेंट का। तो एक बार मेटल साउंड यूज़ करके आप कोई सा भी स्पेशल मूव यूज़ करोगे ना, तो काफ़ी चांसेस हैं अपोनेंट के नॉकआउट होने के। इसके बाद क्रंच है, लावा प्लम है, फायर स्पिन है, वो तो अपोनेंट को रोक लेता है। फायर स्पिन अगर आपने यूज़ कर दिया तो आपका अपोनेंट स्विच नहीं कर पाएगा अगले 3-4 टर्न तक, जब तक फायर स्पिन में है। बाकी आयरन हेड, अर्थ पावर, हीट वेव और बचे खुचे स्टोन एज और मैग्मा स्टॉर्म। भाई लगभग जितने भी मूव हैं इसके पास सभी के सभी A1, बहुत तगड़े मूव्स हैं यार। बाकी TMs में आप इसको ड्रैगन पल्स, रॉक स्लाइड, टॉक्सिक, टॉन्ट, अर्थक्वेक, भाई फ्लेम थ्रोअर, बहुत तगड़े तगड़े मूव हैं यार इसके पास। रेस्ट है, विलो विस्प है, विलो विस्प की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी अगर फ्लेम बॉडी है तो। बाकी फ्लैश कैनन दे सकते हो आप इसे, बहुत सही है यार ये पोकेमोन। फ्लेम चार्ज सीख सकता है यार, इंसिनरेट सीख सकता है, और क्या चाहिए भाई, पोकेमोन तो ओपी है यार ये। मतलब अगर आपकी टीम में ये पोकेमोन है भाई तो सच में मज़ा आ जाएगा यार आपको। हेलो, एक बार देखते हैं यार कैसा लगता है ये, मतलब इसके साथ वॉक वगैरह करना कैसा लगता है।
भाई मस्त लग रहा है यार, इसकी जो लपटें निकल रही है ना पीछे से बहुत शानदार लग रही हैं यार। और ये आपकी टीम में है तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको अभी कैच करना है तो अभी कैच कर लो, और अगर आपको डायरेक्ट शाइनी चाहिए तो पोके कॉइन्स से आप शाइनी भी ले सकते हैं। अराउंड 260 या 160 कॉइन्स के अराउंड इसका शाइनी वर्जन निकल जाएगा, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और भाई ये पोकेमोन आपकी टीम में है ना तो भाई जीतने से आपको शायद ही कोई रोक पाए। यहाँ एक बंदा है जिसके पास ये है, ये रहा शाइनी मेगा हीटरैन, आप लोग देख ही सकते हैं भाई। इसका जो लुक है थोड़ा ग्रीनिश है, बाकी इसका एसएस जो है 847 है। इसका स्पेशल अटैक 206 जा रहा है, मतलब म्यूटू का जितना अटैक था उसके आसपास का इसका स्पेशल अटैक है। स्पीड भी मेगा इवॉल्व होने के बाद थोड़ी सही साट हो गई है, 111, मतलब एवरेज लेजेंड्रीज के आसपास की स्पीड है। डिफेंसेस अच्छे हैं, एचपी भी तगड़ी है भाई। A1 अल्टीमेट पोकेमोन है यार, अगर लेना है तो इसे ले लो। और शाइनी ना सही, अभी अगर आप नॉर्मल वर्जन भी ले लेते हो तो इसे बाद में पावर अप करके आप रीसेट करके जितनी भी चीज़ें नॉर्मल में लगाई हैं वो सारी शाइनी में लगा देना, तो शाइनी आपका एक बार में पावर अप हो जाएगा। मतलब आपने नॉर्मल लिया, आपने उसे पावर अप किया, उसके बाद यहाँ पे आप रीसेट पे आके उसको सिलेक्ट करेंगे और 100% पे कर देंगे, तो आपने जितनी भी आर्ट बुक्स और जितनी भी पिन बॉल्स यूज़ की होंगी, देख रहे हो आप लोग, जितनी भी आर्ट बुक्स जितनी पिन बॉल्स मैंने यूज़ की है मेडी चैम्प पे सब यहाँ शो हो रही हैं, वो सारी आपको रिटर्न वापस मिल जाएंगी। और आप वो सब कुछ शाइनी वाले पे लगा के उसे एक बार में पावर अप कर सकते हो। तो भाई चॉइस आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छा खासा कमेंट करो जो भी आपको लगता है। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।